चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है राजनांदगांव से है, जहां पर राजनांदगांव में कोरोना से जुड़ी बड़ी अपडेट है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गायत्री विद्यापीठ स्कूल में 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जानकारी आपको दे दें, संपर्क में आए 30 टीचरों की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, 32 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं जिस विषय सामने आ रही है। स्कूल को बंद करने का आदेश दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जिस विषय सामने आ रही है। राजनांदगांव में कोरोना से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गायत्री विद्यापीठ स्कूल के 2 छात्र पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संपर्क में आए, आपको बता दें कि 30 छात्रों की जांच की जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसकी भी दहशत लगातार जो है वो फैली हुई दिख रही है पूरे देश में, प्रदेश में ओमिक्रॉन से भी लोग जो है डरे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं, लोगों में डर का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजनांदगांव में कोरोना से जुड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गायत्री विद्यापीठ स्कूल के 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संपर्क में 30 टीचरों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 32 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, 32 छात्र जो है नेगेटिव आए हैं और 30 जो शिक्षक हैं वो भी नेगेटिव पाए गए हैं जांच में आगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है। वहीं 2 छात्रों को क्वारंटीन करके उनका इलाज जारी है। इसी बीच हमारे सहयोगी शशि देवगन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शशि, जानकारी यहां पर लेना चाहेंगे कि बच्चे जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या कुछ यहां पर इंतजाम स्कूल में किए गए हैं कोरोना के रोकथाम को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ओमिक्रॉन एक बड़ी चिंता। देखिए फिर बिल्कुल निश्चित तौर पर जब जिस हिसाब से कोरोना के जो वैक्सीन लगाए जा रहे थे, अभियान चला रहे हैं, घर घर पहुंच कर जिस तरह पल्स पोलियो के जो ड्राफ्ट लाते हैं, उसी तरह के घर घर पहुंच के पोलियो की तरह इसको भी कोरोना वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। लेकिन चिंताजनक ये है कि शहर के जो जातीय स्कूल विद्यापीठ है, वहाँ के 2 बच्चे हैं, स्कूल बच्चे, उनको कोरोना पॉजिटिव निकल के आए, तो सामने ये एक चिंता विषय बना है स्वास्थ्य विभाग के लिए कि जब वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के लगा रहे हैं गाँव में, शहर में, सभी जगह वैक्सीन की महाअभियान चला है, उसके बाद भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो एक स्वास्थ्य विभाग की चिंता की जनक है। और इस कोरोना पॉजिटिव के बाद शहर में और स्वास्थ्य में हड़कंप मची, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उस बच्चे के जो संपर्क जितने आए थे, 30 टीचर और 32 स्टूडेंट उनके संपर्क में आए थे, उनके सैंपल दिए गए। लेकिन उन सैंपल से एक अच्छी खबर आई कि वो चीज पॉजिटिव निगेटिव आई है, जिनके सैंपल लिए। लेकिन आरटीसीपीसीआर की जो रिपोर्ट है, शशि यहाँ पर जानकारी इन 2 बच्चों के बारे में भी लेना चाहेंगे जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, किस तरीके से इनका इलाज किया जा रहा है, किस तरीके से आइसोलेशन में रखा गया है। जी, जिनके इनके पॉजिटिव आने के बाद इनको मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। लेकिन कुछ बताना चाहूंगा अभिषेक, इनके जो फैमिली 6 लोग थे, जो कुछ दिन पहले महाकालेश्वर घूमने गए थे, उनके बाद इनके पास पॉजिटिव आए, जिनके बाद इलाज हुई। फिर भी कहा जा सकता है जिस हिसाब से स्वास्थ्य विभाग इन बच्चों का इलाज कर रही है, फिलहाल कलेक्टर ने आदेश दिया कि स्कूल को फिलहाल बंद कर दिया जाए, और जिनके संपर्क में आए उनकी एक पॉजिटिव जो है, इनके संपर्क में जितने बच्चे आए हैं उनकी जांच किया जाए, और फिर स्कूल को बंद करने के आदेश दिए हैं। जी जी, शशि बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।